स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस फाइन ओके फाइन। हाँ ये दिख रहा है। यस चल लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था बायोगैस प्रोडक्शन। फाइन नाउ विल सी बायो कंट्रोल एजेंट्स। नाम से क्या पता चल रहा है जी, बायो कंट्रोल एजेंट कहने का मतलब? चंदन, सुधांशु, आदित्य, बायो कंट्रोल एजेंट नाम से कुछ तो पता चल रहा होगा। सी एग्रीकल्चर में बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, पेस्ट होते हैं, फाइन, जो कि क्रॉप को नुकसान करते हैं। लगभग 30% के आसपास क्रॉप की हानि होती है बिकॉज ऑफ पेस्ट, ठीक है, डिजीजेस, रोडेंट्स, इन सबको मिला के ना, तो भारी लॉस है ये। तो साइंटिस्ट लोगों ने नोबल तरीका ढूंढ निकाला इन ऑर्डर टू गेट रिड फ्रॉम दैट लॉस। एंड अब देखते हैं साइंटिस्ट लोगों ने क्या क्या अप्रोच कर रखा है इन ऑर्डर टू रिड फ्रॉम दिस लॉस, रिड फ्रॉम दिस लॉस, ठीक है, देखते हैं। फाइन, इसके अंदर हम लोग सिंथेटिक वीडिसाइज पेस्टिसाइड्स की जिक्र नहीं करेंगे। फाइन, इसमें हम नेचुरल तरीका ढूंढेंगे जिससे कीड़े मकोड़ों को दूर रखा जा सके। फाइन, तो देखते हैं, और इस चीज़ को हम लोग स्टडी कर सकते हैं आईपीएम के अंतर्गत। आईपीएम स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। फाइन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM, ये एक प्रकार का मैनेजमेंट है जिसमें फार्मर्स को बताया जाता है कि किस तरीके से आप क्रॉप को हेल्दी रख सकते हो। फाइन ओके सी, कुछ तरीका है यहाँ पे मेंशन किया गया है इन ऑर्डर टू रीड ऑफ फ्रॉम क्रॉप लॉस ड्यू टू पैथोजेंस, रोडेंट्स, नेमेटोड्स एक्सेट्रा। पहला है यूज ऑफ रेजिस्टेंट और टॉलरेंट वेराइटी। इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, यूज ऑफ रेजिस्टेंट और टॉलरेंट वेराइटी। चंदन बता सकते हो जी इसका मतलब क्या है, टॉलरेंट और रेजिस्टेंट वेराइटी का मतलब बता सकते हो? हाँ सर, जैसे कोई डिजीज हो या फिर कोई इन पर्टिकुलर इंसेक्ट या फिर पेस्ट से रेजिस्टेंट बोल सकते हैं उसको। हाँ वेरी गुड, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा हूँ इसका, है ना, जैसे कि मैं जिक्र करूंगा एक पौधे का, ठीक है, ये रहा पौधा। फाइन, ये पौधा है, ओके, ये पौधा के पास हमने कुछ ऐसा जीन डाल रखा है, इस पौधे के अंदर हमने कुछ ऐसा जीन डाल रखा है विच विल शो रेजिस्टेंस अगेंस्ट सम बटरफ्लाइज, ठीक है, कुछ बटरफ्लाइज की वैरायटी होंगे, स्पीशीज होंगे जो इस पौधे को खा नहीं पाएंगे, है ना, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, रेजिस्टेंस प्लांट, है ना, तो उसी के तरह हम सम इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, नेमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट रेज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक, कोई भी टेक्निक अपनाएंगे और एक रेजिस्टेंट पौधे का निर्माण करेंगे, है ना, जिसके ऊपर कोई पेस्टिसाइड्स डालने की आवश्यकता नहीं है, इंसेक्टिसाइड डालने की आवश्यकता नहीं है, खुद ब खुद उसके पास कोई कीड़ा लग जाएगा, है ना, इस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब, क्रॉप रोटेशन का मतलब बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमने लगाया सर आपका आवाज बहुत धीरे हो गया है। ओके अब सही है, अब सही है, यस सर। ओके, हमने लगाया यहाँ पे पेडी, फॉर एग्जांपल वी प्लांटेड पेडी इन दिस प्लॉट ऑफ लैंड। कब लगाया था हमने? 2020 में लगाया था। फाइन, 2021 में ऑन सेम लैंड वी वॉन्ट प्लांट पेडी, इंस्टेड ऑफ पेडी वी विल प्लांट सम रबी क्रॉप, ठीक ना, यहाँ पे कोई रबी क्रॉप लगाएंगे। फाइन, पेड़ी को छोड़ के कोई दूसरा पौधा हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, पेड़ी नहीं लगाएंगे, पेड़ी को छोड़ के हम दलहन वाला लगा देंगे, चना लगा देंगे, वीट लगा देंगे, सरसों लगा देंगे, कैनोला लगा देंगे,
तुलसी लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे, बट वी वॉन्ट प्लांट पेरी ऑन दैट पर्टिकुलर लैंड. ठीक है, रीजन क्या है, लॉजिक क्या है इसके पीछे. फॉर एग्जाम्पल ये पेरी पौधा है ना, इस पेरी पौधा को हार्म करने वाला एक पैथोजन का नाम दे रहा हूं एक्स. फाइन, ये एक्स इस पौधे को हार्म पहुंचा रहा है. फाइन, हार्म पहुंचा रहा है, इसकी प्रोडक्टिविटी को घटा रहा है. फाइन, और करता क्या है, दिस एक्स विल प्रोड्यूस एग, है ना, एग का प्रोडक्शन करेगा और ये पर्टिकुलर एग इस खेत में रिसाइड करेंगे, रहेंगे वहां पे डोरमेंट कंडीशन में. फाइन, हाइबरनेट करके उस खेत में बैठे हुए रहेंगे, उस इंतजार में रहेंगे कि 2 महीने बाद फिर से पेड़ी आएगा इस खेत में और फिर से हम उसको नुकसान पहुंचाने लगेंगे. कहने का मतलब वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है एक्स वाले एग कि कुछ दिन बाद फिर से हमें भोजन का सोर्स मिलने वाला है ना. होता यही है, यदि फिर से पेड़ी लगाएंगे तो ये एग हैच्ड हो जाएंगे और फिर से पेड़ी को अपना घर बना लेंगे, अपना भोजन का सोर्स बना लेंगे. लेकिन हम अगले बार यहाँ पे पेड़ी ना लगा के यदि वीट लगाएंगे, है ना, तो ये पर्टिकुलर एग यदि हैचिंग भी हो जाती है तो ये वीट के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता, वीट उसके लिए अप्रोप्रिएट भोजन नहीं होगा. सो इन दैट केस दैट लार्वा शुड बी लैमिनेटेड. एग्स यहाँ पे हम एग्जाम्पल दिए, ठीक है, खात्मा होना होता है और खात्मा हो भी जाता है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रॉप रोटेशन, रोटेट करना चाहिए. फाइन, ताकि जो होस्ट है वो मर जाए. फाइन, समझ में आया, आगे बढ़े. समर प्लाविंग इसका मतलब समझे, समर प्लाविंग का मतलब. हेलो, यस सर. क्या होता है सर, कुदाली से इसको मतलब थोड़ा मिट्टी को हवादार बनाते हैं जैसे कि उसको रेस्पिरेशन. समर गर्मी. हाँ सर, गर्मी के दिन. हाँ, गर्मी के दिन में धूप ज्यादा होता है. फाइन, लाइट का इंटेंसिटी भी ज्यादा रहता है, तो क्या करेंगे हम, खेत को प्लाव कर देंगे जिससे मिट्टी उल्टा हो जाएगा, जितने भी बैक्टीरिया के स्पोर्स होंगे, नेमेटोड्स के एग्स होंगे, फाइन, ये सब ऊपर आ जाएगा, कोई पक्षियां खा जाएंगे इसको, या फिर सन के रेडिएशन से वो सब किल्ड हो जाएंगे, है ना. तो ये भी एक तरीका है. फाइन, आगे बढ़े. ओके, लेट प्लांटेशन. लेट प्लांटेशन का मतलब समझे, लेट प्लांटेशन का मतलब मैं समझा रहा हूँ, समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये रहा सुधांशु का खेत, ये रहा आदित्य का खेत. आदित्य क्या हो गया, ये सुधांशु का हो गया, ये रिया का खेत हो जाएगा, ये हो जाएगा चंदन का खेत. फाइन, सुधांशु ने क्या करा, पहले तारीख को प्लांटेशन कर दिया. आदित्य ने क्या करा, 5 तारीख को प्लांट करा, ठीक ना. रिया ने क्या करा, इसने 10 तारीख को खेती करी, प्लांटेशन करी. फिर चंदन चला क्या करेगा, ये 30 तारीख को प्लांट करेगा. रीजन क्या है कि इसके आसपास जितने भी प्रेडेटर्स होंगे, फाइन, इनको नियरेस्ट फूड दिखेगा इस खेत में, इस खेत में, इस खेत में. इस प्रेडेटर को लगेगा यार इस खेत में तो कोई आ ही नहीं रहा है, मतलब इस साल ये बाँव जाने वाला है, ठीक है, खाली रहेगा. तो पूरे प्रेडेटर्स तो बट गए इधर उधर इधर उधर, अब इसमें जाने के लिए बचेगा ही नहीं. फाइन, तो इसमें उतने पैथोजन नहीं लगेंगे. फाइन, तो आप लेट प्लांटेशन करते भी हैं तो थोड़ा सा फायदा हो सकता है, समझे. क्या हो गया यार. नेक्स्ट, यूजिंग नेचुरल प्रेडेटर. नेचुरल प्रेडेटर कहने का मतलब है, नेचुरल प्रेडेटर का मतलब बता रहा हूं. फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लांट, है ना, इसको खाने वाला ये कीड़ा है, ठीक ना, ये प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा है ये कीड़ा. फाइन,
फाइन, हम क्या करेंगे यहाँ पर एक प्रकार का पक्षी छोड़ देंगे, ये बर्ड को हम इसके पीछे लगा देंगे, दिस बर्ड विल ईट अप ऑल दिस प्रेडेटर्स, इस पूरे कीड़े मकोड़ों को खा जाएगी, है ना, खा जाएगी, तो हमारा पौधा बचा हुआ रहेगा, फाइन। नेक्स्ट, यूजिंग नेचुरल पैथोजन, ये भी तरीका है नेचुरल पैथोजन का इस्तेमाल करना, मतलब है ना, ये जो कीड़ा था, इस कीड़ा में बीमारी कॉज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करेंगे, ये इस कीड़े के अंदर बीमारी लग जाएगा, ये मर जाएगा, ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट, मिनिमाइजेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, ये कोई खास नहीं है, आप इसको ओमिट कर सकते हो, मिनिमाइजेशन ऑफ, ये कोई तरीका नहीं है, हटाइए हटाइए हटाइए, ये सब कुछ खास नहीं है, नहीं है। बायोहर्बिसाइड्स, बायोहर्बिसाइड्स कहने का मतलब कुछ ऐसे प्लांट या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका इस्तेमाल से घास फूस को हटाया जा सकता है, ठीक है, अनवांटेड घासों को हटाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड बायोहर्बिसाइड्स, ठीक है। तो जनरली बायोहर्बिसाइड्स बनाता है फंजाई, ठीक है, जिसको हम लोग माइको हर्बिसाइड भी कहते हैं, माइको मतलब फंजाई, ठीक है, जैसे कि कुछ हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, माइको हर्बिसाइड डिवाइन, इट्स अ ब्रांड नेम, ठीक है, इसको ऑप्टेन करा जाता है फाइटोप्थोरा प्लामिवोरा से, फाइन, इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट मिल्कवीड वाइन इन सिट्रस, ठीक है, यहाँ पे मैं फोटो दिखा रहा हूँ मिल्कवीड सिट्रस का। फाइन, इस पौधे को हम लोग बचा सकते हैं, किससे बचा सकते हैं, हम डिवाइन से, ओके ओके, मिल्कवीड वाइन इन सिट्रस है ना, नहीं इसमें है नहीं, डायग्राम में है नहीं, याद रखेंगे आप लोग मिल्कवीड वाइन इन सिट्रस से हम लोग, ओके, ठीक है, कहने का मतलब सिट्रस प्लांट पे इस पौधे से हम लोग रिड ऑफ हो सकते हैं, ठीक है, मिल्कवीड वाइन एक पौधा है जो सिट्रस को नुकसान पहुंचाएगा, सिट्रस पे जाके रहेगा, सिट्रस के ऊपर पैरासिट का तरह काम करेगा, सो हम डिवाइन यूज करेंगे, डिवाइन के चलते मिल्कवीड वाइन ग्रो नहीं करेगा सिट्रस के ऊपर, फाइन फाइन। नेक्स्ट इज कॉलिगो, इट्स अ स्पोर फॉर्म कॉलिक्टोट्राइकम, ठीक है, गोलियोस्पोरियोइड्स, ठीक है, इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्रास नॉर्डन जॉइंटिटिक ऑफ राइस फील्ड, नॉर्डन दिखाता हूं ये कौन सा घास है, या दिस इज द ग्रास, है ना, ये घास है, ये हमारा यूजफुल नहीं है हमारे लिए, तो इसको हम लोग रिड ऑफ, इस पौधे से हम लोग रिड ऑफ हो सकते हैं बाय यूजिंग दिस कॉलिगो, राइस फील्ड में ही ऑप्टेन करता है, नॉट इन जॉइंटरी टेक, नाम यहाँ पे यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, फाइन फाइन फाइन, जी ओ आई एन टी वी ई टी सी एच,
फाइन, ये प्रकार का घास है धान के खेत में रहता है ना, तो हम लोग कोली को इस्तेमाल करेंगे तो ये सब उगेगा नहीं। आगे बढ़ो, और टाइम चाहिए आपको? यस सर। ओके फाइन, नेक्स्ट इज स्पोर्स ऑफ स्पोरा रैंडोन रोडेनाई, ठीक है, स्पोर्स ऑफ सेरोस्पोरा रोडेनाई, दिस स्पोर इज इफेक्टिव अगेंस्ट द वाटर हाइसिंथ इन फ्लोरिडा यूएसए, ठीक है, वाटर हाइसिंथ को ग्रो करने नहीं देगा। नेक्स्ट देखते हैं इंसेक्ट प्रीडेटर। इंसेक्ट प्रीडेटर कहने का मतलब होगा कि कुछ कीड़े, कुछ घास फूस है, उस घास फूस के ऊपर हम कीड़ा को छोड़ देंगे तो वो कीड़ा क्या करेगा, उस घास को खा के खत्म कर देगा, ठीक है। जैसे कि अपोंचिया एक प्रकार का घास है, अनवांटेड प्लांट है, फाइन, तो इसके ऊपर हम इसको छोड़ देंगे, फाइन, कैक्टोब्लासिस, ठीक है, सिरोक्टोकोरम को छोड़ देंगे जिसके चलते ये अपोंचिया खत्म हो जाएगा, खा के खत्म कर देगा ये, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कैक्टोब्लास्टोसिस। क्लैक्टोरम, फाइन, ये देखो ये कैक्टस को क्या कर दे रहे हैं, कैक्टस को खा के एकदम खत्म कर देंगे, सी इस तरीके से। कैक्टस एक प्रकार का घास है, एक प्रकार का वीड है, हमारे मेन फ्रेम वाले पौधे को हार्म पहुंचा रहा है, कंपटीशन क्रिएट करेगा, तो हम इसे रिड ऑफ होना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये प्रकार का कीड़ा छोड़ देंगे हम लोग, कैक्टोब्लासिस कैक्टोरम को छोड़ देंगे, ये खा के खत्म कर देगा उसको। समझ में आया? ओके, चलिए, फाइन। ठीक है, स्मूथनर हम कहते हैं उस क्रॉप को जो कि अपने आसपास दूसरे क्रॉप को ग्रो करने नहीं देगा, दूसरे प्लांट को ग्रो करने नहीं देता है ना, उसको हम लोग स्मूथनर कहते हैं। है ना, तो कुछ कुछ पौधे हैं जो नेचुरली ऑकर करते हैं, है ना, जिसको स्मूथनर क्रॉप भी कह सकते हैं, फाइन, ये अपने आसपास किसी दूसरे क्रॉप को ग्रो करने नहीं देगा, फाइन, जैसे कि अल्फा अल्फा है, बार्ली है, मैरीगोल्ड है, मिलेट, सनफ्लावर, सोरगम, सोयाबीन, राई, ये सब अपने आसपास किसी दूसरे पौधे को ग्रो करने नहीं देगा, है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बायो पेस्टिसाइड्स और बायो इंसेक्टिसाइड्स, फाइन, कहने का मतलब, इस टॉपिक कहने का मतलब होता है कि हम है ना कोई इंसेक्ट को, है ना, इंसेक्ट को किल करना है हमें, तो इंसेक्ट को किल करने के लिए ये सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बैक्टीरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, बैक्टीरिया क्या करेगा, इंसेक्ट में डिजीज कॉज कर देगा, बैक्टीरिया इंसेक्ट मर जाएगा, वायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वायरस क्या करेगा, इंसेक्ट में डिजीज कॉज करेगा, फंजाई भी इंसेक्ट में डिजीज कॉज करेगा, इंसेक्ट प्रेडेटर्स मतलब कि कीड़े मकोड़े खाने वाले जानवरों का इंट्रोडक्शन करेंगे, नेचुरल पैथोजेनस यूज करेंगे, पैथोजेन कहने का मतलब ये वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, यूज ऑफ फेरोमोन्स, ठीक है, फेरोमोन कहने का मतलब एक ऐसा केमिकल इस्तेमाल करेंगे जिससे ये सब इंसेक्ट कहीं दूर खींचा चला आएगा, फॉर एग्जांपल ये रहा हमारा एग्रीकल्चर लैंड, फाइन, यहाँ पे इंसेक्ट थे, हम करने वाले नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट थे, हम क्या करेंगे, समथिंग 5 किलोमीटर अवे, है ना, एक प्रकार का फेरोमोन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, फेरोमोन जानते हैं ना, एक प्रकार का केमिकल है जो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करता है, फाइन,
अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो क्या करेंगे, फेरोमोन हम डाल देंगे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम देयर, तो ये सब इंसेक्ट सूंघ के आएंगे यहाँ तक, और वहां पे हमने ट्रैप बना रखा है, और सारे के सारे ये कीड़े फंस जाएंगे यहीं पे, दोबारा इस क्रॉप पे नहीं लग पाएंगे, फाइन। तो ये भी एक टेक्निक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन कहने का मतलब कास्ट्रेशन कर देना, गैमेटोजेनेसिस ना होने देना, फाइन। स्टेरलाइज कर देंगे, अनफर्टाइल कर देंगे उन लोगों को, ठीक है। क्रॉप सेक्रीफाइस, क्रॉप सेक्रीफाइस का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये है आपका मेन फ्रेम का क्रॉप, मेन फ्रेम में है ये, ठीक ना, मेन फ्रेम में मतलब मेन क्रॉप है आपका, दिस इज मेन क्रॉप, ओके। और यहां पर प्रेजेंट है खाली जगह, तो इस खाली जगह पे आप कुछ घास फूस उगा दोगे, है ना, और उस घास फूस पे कीड़ा आके लग जाएंगे, कीड़ा मकोड़ा आके लगेगा, इसको नुकसान पहुंचाएगा, और ये हमारा क्रॉप ऐसे ही रहेगा, अनडिस्टर्ब्ड रहेगा, फाइन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस क्रॉप को सेक्रीफाइस कर दिया, है ना, उसका ध्यान भटका रहा है कि भैया कीड़ा मकोड़ा आपको इधर नहीं जाना है, आपको इधर जाना है, इधर देखो भोजन प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग जल्दी प्लांट कर देंगे, इसको हम 10 दिन बाद या 20 दिन बाद प्लांट करेंगे। समझ में आया क्रॉप सेक्रीफाइस का मतलब क्या है? Yes, okay, good. तो ये सब तरीका है, कहां गया, फाइन। नाउ इंसेक्ट प्रेडेटर एक्टिंग एज अ कंट्रोल फॉर पेस्ट। कुछ कुछ हम लोग प्रेडेटर का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू गेट रिड फ्रॉम पेस्ट, जैसे कि एफिड्स है, है ना। एफिड एक प्रकार का नुकसानदायी जानवर है, नुकसानदायी कीड़ा है, है ना। तो इसको हटाने के लिए वी यूज सम प्रेडेटर्स लाइक लेडीज फिंगर, क्या है, लेडी फिंगर बीटल, ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, प्रिंग मैंटिस, हाउस फ्लाई, इन सभी फ्लाइज का इस्तेमाल करेंगे जो कि एफिड्स को खा जाएगा। जैसे कि एफिड्स का डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ, फोटो दिखा रहा हूँ, एफिड्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यार, लाही बोलते हैं, देखा होगा आपने ये सरसों के खेतों में, ठीक है। सरसों का जब फ्लावरिंग होता है ना, उसमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ये आ जाते हैं सरसों में, एफिड्स ऑन मस्टर्ड, देखे होंगे आप लोग, देखो ये वाला, देखे हो ये, देखो तो ये वाला स्ट्रक्चर, ये डायग्राम देखो जरा, ये दिख रहा है, yes. लाही कहते हैं, दिस इज एफिड, है ना, बहुत नुकसान करता है सरसों को, बहुत ज्यादा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके ऊपर कुछ कीड़े मकोड़े छोड़ देंगे, जैसे कि लेडी फिंगर बीटल, इसको छोड़ देंगे, ये क्या करेगी, ये एफिड्स को खा जाएगी, फाइन। ये एक तरीका है, हाउस फ्लाई छोड़ेंगे, हाउसफ्लाई भी खा जाएंगी, ड्रैगन फ्लाई, प्रेइंग मैंटिस को छोड़ देंगे, प्रेइंग मैंटिस का डायग्राम ये रहा, फोटो ये रहा, ठीक है, क्रॉस ओवर का तरह दिखता है, दिस इज प्रेइंग मैंटिस, है ना, इसको छोड़ देंगे, क्या करेगा, जाके एफिड्स को पूरा खा जाएगा, फाइन। आगे बढ़े, Yes, sir. Sir, तो ये क्रॉप को डैमेज नहीं करेगा? ना ना ना, ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं, है ना, ये मान के चलो मांसाहारी है, तो क्रॉप को थोड़े खाएंगे, एफिड्स को ही खाएंगे ना? Okay, sir. Okay. Now, मॉस्किटो से रिड ऑफ होना है, मॉस्किटो लार्वा से रिड ऑफ होना है, तो हम लोग यूज करेंगे ड्रैगन फ्लाई एंड गम्बुशिया फिश, इसके बारे में तो जानते ही होंगे,
गम्बुजिया फिश है ना. नेक्स्ट, बैक्टीरिया एक्टिंग एज ए बायो कंट्रोल एजेंट. पढ़ो जरा इसको, आसान है, इसको पढ़े उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं क्या है इसका मतलब. पढ़ो एक बार, हो जाएगा तो बताएंगे. यस सर, हो गया. चलिए कहानी बताते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ कीड़े हैं है ना, जैसे बैंगन वाला कीड़ा देखोगे नहीं, बैंगन के अंदर कीड़ा जो लगा हुआ रहता है. यस सर. हो गया कॉटन, हो गया मक्का, हो गया है ना, सब्जियों के अंदर कीड़े लगे हुए रहते हैं. फाइन, ओके. वो कीड़े मर सकते हैं यदि उनके अंदर बैक्टीरिया का एक प्रोडक्ट चला गया तो, है ना. तो वो प्रोडक्ट है क्या एक्चुअली में, तो एक प्रकार का केमिकल है. फाइन, एक प्रकार का केमिकल है जो कि हम लोग क्रिस्टल प्रोटीन कहते हैं. क्रिस्टल प्रोटीन या फिर एंजाइम्स बोलेंगे. फाइन फाइन, दैट क्रिस्टल प्रोटीन व्हेन एंटर्स द pathogen body, pathogen is alimentary canal, it kills the larva of that pathogen predator. Fine, मतलब कीड़े के अंदर वो चला जाएगा particular protein, तो कीड़ा मर जाएगा, है ना. तो scientists लोगों ने बहुत सारा research करी, discoveries करी, खोज निकाला, एक ऐसा bacteria निकाला उन्होंने, that is Bacillus thuringiensis, है ना. और पता चला Bacillus thuringiensis के अंदर कुछ ऐसे chemicals प्रेजेंट है जो कि क्रिस्टल्स के फॉर्म में रहते हैं. यदि वो कीड़े मकोड़े के पेट के अंदर चला जाए, है ना, तो कीड़ा मकोड़ा मर सकता है. फाइन, तो साइंटिस्ट लोगों ने फार्मर्स को एडवाइस किया कि भैया इस बैक्टीरिया का स्पोर आप लोग छिड़क दो खेतों में. उन्होंने करा. फाइन, ये चलता रहा बहुत दिनों तक चलता रहा. कुछ कुछ ड्रॉबैक इसके आए कि मान के लो आज हमने स्पोर्स को छिड़क दिया पौधे के अंदर, पौधे के ऊपर बारिश हो गया, पूरा स्पोर झड़ गया, ठीक ना. कभी कभी ये स्पोर इवनली स्प्रेड नहीं होता पत्तों पे, ये भी एक ड्रॉबैक हुआ, है ना. और ये प्रोसेस हमको बार बार करना पड़ता है जब 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 लार्वा आते हैं, जब जब कीड़ा मकोड़ा आता है पौधे पर. तो साइंटिस्ट लोगों ने एक और नोबल तरीका ढूंढ निकाला, क्यों ना हम प्रोटीन बनाने वाला जीन को ही पौधे के अंदर डाल दें, है ना. बैक्टीरिया एक प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, जो कि एक्टिव होता है अल्कलाइन पीएच पे कीड़े मकोड़े के अंदर, है ना. तो ये एंजाइम, ये प्रोटीन स्पोर्स के अंदर प्रेजेंट है. स्पोर हम डालेंगे तो हमारे लिए फायदा है, नुकसान क्या क्या है मैंने बताया. तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्यों ना हम उस जीन को ही निकाल के प्लांट के अंदर परमानेंटली डाल दें, जिसके चलते क्या होगा, प्लांट के अंदर ही वो पार्टिकुलर हार्मफुल प्रोटीन सिंथेसाइज होगा. और जब जैसे ही कोई भी कीड़ा खाएगा उस पौधे का कोई भी पार्ट को, वो प्रोटीन
कीड़े के बॉडी में एक्टिवेट हो जाएगा और कीड़ा मर जाएगा, है ना। तो इसी के चलते बीटी कॉटन का प्रचलन हुआ, ठीक है। बीटी कॉटन पहली बार बनाया गया, बीटी कॉटन, ठीक है। बीटी कॉटन कैसे बनाया ये हम बताएंगे आप लोगों को बायोटेक वाले सेक्शन में, फाइन। ये मतलब समझ में आया कि नहीं, ये पूरा एपिसोड समझ में आया कि नहीं मैंने क्या बोला? यस सर, ठीक है, चलो। इट इज आल्सो नोन एज थायरोसाइट, इस स्पोर को हम लोग थायरोसाइट भी बोल सकते हैं, स्पोर्स जो कि कीड़ों को किल करने में मदद कर रहा है, ठीक है। वन बायोकेमिकल स्पोर्स नेम स्पोरिन ऑब्टेंड फ्रॉम बैसिलस फ्रांगियंसिस हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट लार्वा ऑफ कॉटन बॉलवर्म आल्सो नोन एज थायरोसाइट्स अटैक। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड्स आर, ठीक है, निकोटीन, रोटिनॉन, अजरेक्टिन, पैरिथीरम, सिनेरियम, ये सब है। इसमें से इम्पोर्टेंट ये है और ये है, बाकी सब हटाओ। अजरेक्टिन भी आसान है, नीम से ऑब्टेन करा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ना यार आगे है वायरस एक्टिंग एज बायो कंट्रोल एजेंट, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन से उठा के रखे हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो एकदम भी नहीं छोड़ सकते आप लोग। ओके, फैमिली, वायरस का एक फैमिली है जिसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं बैसिलो वायरस, है ना। एंड इट इज हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स के अंदर जाके ये बीमारी कॉज करता है, फाइन, और कुछ इंसेक्ट्स के अंदर, फाइन। सो एक अच्छा खासा हमारे लिए बायो कंट्रोल एजेंट की तरह एक्ट करता है ये वायरस, जो बैसिलो वायरस के अंदर लाई करता है, फाइन। इसके अंदर कुछ जीन्स होते हैं जैसे एनपीवी, सीपीवी, एनजीवी, याद रखें, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। निकोलो पॉलीहेड्रल वायरल प्रोटीन, साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रल वायरस, ग्रैनुलेटेड वायरस, फाइन। ये सब कुछ जीन्स है, सॉरी कुछ जीनस है बैसिलो वायरस के अंदर, फाइन, जो कि इफेक्टिव होते हैं आर्थ्रोपोड्स और कुछ इंसेक्ट के अगेंस्ट में। एक चीज ध्यान रखेंगे कि जितने भी वायरस हम अभी नाम लिए हैं दे आर हाईली स्पेसिफिक टू द होस्ट, है ना। इसका एक्शन जो होता है दैट इज नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम कहने का मतलब होता है इट इज लिमिटेड टू पार्टिकुलर प्लांट ओनली। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से और भविष्य में भी आएगा कि ये जो बैसिलो वायरस है ये इफेक्टिव है अगेंस्ट आर्थ्रोपोड्स एंड इंसेक्ट, ये नैरो रेंज का है या वाइडर रेंज का है ना, बहुत बार पूछा हुआ है। सो इट इज अ नैरो रेंज बायो कंट्रोल एजेंट, फाइन, याद रखेंगे। नेक्स्ट, फंजाई एज बायो कंट्रोल एजेंट, कुछ फंजाई है जैसे ट्राइकोडर्मा है, फाइन, किसी पेस्ट और डिजीज के अगेंस्ट इफेक्टिव है, वर्टिसिलम, बीवेरिया, बताइए। सम अदर मेथड नॉट बेस्ड ऑन एनी बायोलॉजिकल एजेंट दैट इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन में ना कहने का मतलब कास्ट्रेशन कर देना, है ना, ये कर देना जिसके अंदर जिसके चलते स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, उनका प्रोजेनी आगे बढ़ेगा ही नहीं। फेरोमोन ट्रैप ये भी बता चुका हूँ, कंफ्यूजन टेक्निक, कंफ्यूजन टेक्निक भी इसी तरीके से होता है जैसे कि फीमेल पार्टनर है तो मेल पार्टनर का तरह स्ट्रक्चर बना के खेतों में छोड़ देते हैं और उसमें बूंद लगा देते हैं, जाएंगे बेचारे कॉपुलेशन के लिए और उसी में सट जाते हैं, मर जाते हैं वहीं, ये भी एक ठीक ना टेक्निक है। मोल्टिंग हार्मोन, ठीक है, ये क्या होगा, ये हार्मोन उसको मैच्योर ही नहीं होने देगा, कीड़े मकोड़ों को मैच्योर होने नहीं देगा, जीवन स्टेज में ही रखेगा, फर्टिलिटी स्टेज में जाने नहीं देगा, फाइन। और इसके चलते कीड़े मकोड़े जल्दी मर भी सकते हैं, ये भी एक तरीका है। कैच ट्रैप क्रॉप मेथड, फाइन,
कीड़े मकोड़ों को पकड़ के मार डालो, ये भी एक तरीका है, ठीक है। या फिर सेक्रीफाइस क्रॉप, मैंने बताया उसका तरह ही मेथड है, जैसे कि सम क्रॉप आर प्लांटेड बिफोर द मेन क्रॉप, इट इज डन इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ पेस्ट ऑफ मेन क्रॉप, ठीक है। वन एग्जाम्पल इज प्लांटेशन ऑफ लेडीज फिंगर बिफोर प्लांटिंग कॉटन टू गेट रिड फ्रॉम जासिड्स एंड बॉलवर्म। समझ में आया, लेडीज फिंगर को प्लांट कर दो, पूरा कीड़े मकोड़ा लेडीज फिंगर की तरफ खींचे चले जाएंगे, लेडीज फिंगर इतना महंगा नहीं है, जितना महंगा बाद में कॉटन प्लांट करेंगे तो कॉटन के पास बॉलवर्म लगेगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सब कुछ तरीका है। नेक्स्ट इज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर कहने का मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि न्यूट्रिएंट कंटेंट को बढ़ाएंगे सोइल के अंदर, खास करके कैसा न्यूट्रिएंट कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाएंगे सोइल के अंदर, है ना। तो सोइल के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाने वाले बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिज्म है, इट मे बी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई, है ना, विच हैज द टेंडेंसी टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो बिसाइड फिक्सिंग नाइट्रोजन, फाइन। तो यहाँ पे हम कुछ मेंशन किए हुए हैं बैक्टीरिया जो बायो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट कर रहे हैं, फाइन, ये इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राइजोबियम है, ये सिम्बायोटिकली सारे चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे राइजोबियम सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्स करेगा इन लेग्यूमिनस प्लांट, इट विल फॉर्म रूट नोड्यूल। एग्जाम्पल है पी क्राम, फ्रेंकिया, इट इज एक्टिनोमाइसिड्स, इट परफॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ नॉन लेग्यूम प्लांट, याद रखेंगे ये नॉन लेग्यूम प्लांट, रूट नोड्यूल बनाएगा लेकिन नॉन लेग्यूम प्लांट में, जैसे कि मेरिकास, एलनस, काउजेरेना, जिंको, है ना, इन सभी में। जिंको इज ए जिम्नोस्पर्म वाइल रेस्ट अदर इज आर एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट इज माइकोबैक्टीरियम, ये भी सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्स करेगा इन नॉन लेग्यूम लीफ एंड फॉर्म लीफ नोड्यूल। देखिए ये यूनिक हो गया जी, यहाँ पे लीफ नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, फाइन। कौन से क्रॉप के अंदर लीफ नोड्यूल बनेगा, ठीक है, पैवीज, ठीक है, साइकोटोरिस, एरेसिया, इन सभी के अंदर नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया हो जाएंगे, एजेटोबैक्टर, ये सारे इंपॉर्टेंट है, बेजरेंकिया, क्लोस्ट्रीडियम, फाइन, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सभी से क्वेश्चन आता है। एजेटोबैक्टर एंड बेजरेंकिया ये एरोबिक बैक्टीरिया है, वाइल क्लोस्ट्रीडियम इज एनारोबिक बैक्टीरिया, फाइन। आगे बढ़ते हैं, साइनोबैक्टीरिया एक्टिंग एज बायो फर्टिलाइजर। साइनोबैक्टीरिया बहुत ही अच्छे तरीके से बायो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करते हैं, ये सिम्बायोटिकली, नॉन सिम्बायोटिकली, एक्वाटिक में भी, नॉन एक्वाटिक में भी, नाइट्रोजन तो फिक्स करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी फिक्स कर सकते हैं, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म दोनों में भी करते हैं, है ना। जैसे कि सिम्बायोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे कि अजोला हो गया, एनाबेना हो गया, अजोला साइन साइकेड हो गया, है ना, एनाबेना अजोलाई एंड अजोला साइकेड, ये एक प्रकार का एसोसिएशन है, फाइन। अजोला एनाबेनाई एंड अजोला साइकेडी, अजोला एनाबेनाई फिक्सेस नाइट्रोजन इन राइस फील्ड, फाइन। देखिए एनाबेना इज अ नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया, अजोला एक प्रकार का एक्वाटिक फॉन है, फाइन। अजोला और एनाबेना के साथ एसोसिएशन है, लेकिन फायदा किसको हो रहा है, राइस फील्ड को हो रहा है, फाइन। यहाँ पे डायरेक्ट साइकस को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, अजोला के चलते,
example of non-symbiotic blue-green algae which fixes nitrogen, like nostoc, anabena, arlucida, tolipotrix, cylindrospermum. ठीक है, सिलेंडर को स्पर्म में याद रखेंगे, शुगर केन और मेश के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करता है नॉन सिम्बायोटिकली. क्वेश्चन यह है कि यहाँ पे कि वाई साइनोबैक्टीरिया इज बेटर नाइट्रोजन फिक्सेशन देन एनी अदर ऑर्गेनिज्म. तो रीजन ये है कि ये सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, नॉन सिम्बायोटिकली कर सकता है. ये नाइट्रोजन तो फिक्स कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी फिक्स कर सकता है. ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है और पानी में भी कर सकता है, फाइन, इसलिए ये बेटर है. फंजाई एस बायो फर्टिलाइजर. सो फंजाई एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा का फॉर्मेशन करता है, विच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सॉइल टू रूट ऑफ द जिम्नोस्पर्म. ठीक है, एक्टोमाइकोराइजा पाइनस और ओक में होता है और एंडोमाइकोराइजा ऑर्चिड कॉफी में होता है. ठीक है, हाउ फंजाई हेल्प्स हायर प्लांट टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स. ठीक ना, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा, फाइन, दे फॉर्म्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ए पाइपलाइन लाइक स्ट्रक्चर, है ना, जिसके चलते न्यूट्रिएंट्स आसानी से वास्कुलर बंडल तक पहुंच सकता है फ्रॉम सॉइल टू जिम्नोस्पर्म. फाइन है, ठीक है. देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बता चुका हूँ 11 में भी. ठीक है, एंडोमाइकोराइजा एक्टोमाइकोराइजा के चलते फास्फोरस एब्जॉर्प्शन इफिशियंटली होता है, है ना, और कुछ कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं. कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर. ठीक है, कॉलोरॉइड रूट साइकस में होता है, साइनोबैक्टीरिया द्वारा होता है. यदि कॉलोरॉइड रूट का फॉर्मेशन हो रखा है साइकस के अंदर, तो उसके अंदर कोई दूसरा पैथोजन नहीं पहुंच सकता है. फाइन, कुछ कुछ एंटीबायोटिक्स है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन होता है, जैसे कि पेनिसिलिन ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम कैरस जीनस. ठीक है, ग्राइसोफ्लोविन ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम ग्राइसोफिलोवरम एंड फिमीगिलेरियन, ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक है ऑब्टेन फ्रॉम एस्परजिलस फिमीगेटस. ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन ओमिट दिस. ठीक है, हटा सकते हो. ये कुछ रिसेंट ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस में से क्वेश्चन है, ये रिसेंट ईयर में नीट में या मेडिकल में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये सब. सो एक ही बार पूछता है, ये बार बार नहीं पूछता है. चैप्टर यहाँ पे ओवर हो रहा है, यदि आपको पूछना है तो पूछ सकते हो क्वेश्चंस. ओके, एक बार पढ़ लेंगे, अभी जितना भी मैं कराया हूँ है ना, उसको कर लें और कहीं पे डाउट है तो पूछें.
हो जाएगा तो बताएंगे हमें, आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गया सर। ठीक है, एनसीईआरटी भी देख लो जरा, एनसीईआरटी भी एक बार देख लें यदि है तो, और कहीं से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तो पूछ सकते हो, देख लें एक बार एनसीईआरटी भी। उसके बाद हम लोग इकोलॉजी भी पहुंचते हैं, है ना, एक भी चैप्टर खत्म कर लेंगे तो सही रहेगा, उसके बाद टैब आते हैं बायोटेक स्टार्ट करेंगे उसको खत्म करने के बाद, तो ये एक चैप्टर हम लोग कर लेंगे इकोलॉजी से। उससे पहले आप एनसीईआरटी देख लें, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला, और पूछेंगे। सर इस पे बायोटेक नहीं हो सकता है? बायोटेक अभी नहीं, बायोटेक के लिए ठीक ना, ये तो बोर्ड चाहिए या फिर टैब चाहिए सही ढंग से, यहाँ पे नहीं करेंगे हम अभी। हो जाएगा, दीपावली के बाद से स्टार्ट करेंगे बायोटेक ना, तो उससे पहले हमारे पास जो 4-5 दिन समय है उसके अंदर हम खत्म कर देते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसके बाद हम लोग बायोटेक ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बायोटेक 1-2, फिर बाद में यहाँ पे आएंगे। सर इसमें बीओडी वाला पार्ट था ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हाँ हाँ बोलो सर, उसमें बता रहे क्या होता है बीओडी और सीओडी। हाँ, बीओडी और सीओडी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल? ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पॉन्ड, फाइन, दिस इज अनदर पॉन्ड, यहाँ पे अनक्लीन वाटर है, अनक्लीन वाटर है, फाइन, यहाँ पे क्लीन वाटर है, ओके, सो अनक्लीन वाटर के अंदर नॉन क्या बोलेंगे बायो मॉलिक्यूल्स ज्यादा प्रेजेंट है, फाइन, इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक मटेरियल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, फाइन, तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म ज्यादा होना है ना, यहाँ पे चीजों का डिग्रेडेशन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? कौन चंदन बताओ, डिग्रेडेशन होगा कि नहीं होगा यहाँ पे चीजों का, बड़े बड़े चीजों का? होगा सर, ऑब्वियसली। So in order to degrade these materials, in order to undergo oxidation of these materials, there is a requirement of oxygen. है ना, इसके अंदर का organic और inorganic material को degrade करने के लिए oxygen चाहिए होगा, है ना, तो इसके case में इस pond के case में, है ना, oxygen demand क्या होगा, high होना है, oxygen demand high होगा initially, this is oxygen demand, कैसा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एज वेल एज, ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसके अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल भी है, कुछ केमिकल्स भी हैं, उनको भी तोड़ के सिंपलर वन में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो इनिशियली पीओडी और सीओडी हाई होगा, है ना, बाहर से ऑक्सीजन चाहिए, और जैसे जैसे मटेरियल्स का डिग्रेडेशन हो जाएगा, ठीक है, दैट बीओडी एंड सीओडी विल डिक्रीज, समझे कि नहीं, x-axis, y-axis,
फाइन। और यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन कितना होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन इनिशियल स्टेज में डिजोल्व ऑक्सीजन कम है ना, यस सर, के अंदर घुला हुआ ऑक्सीजन कम है तो इनिशियल में डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगा, लेकिन जैसे ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रहा है इसके अंदर का डिजोल्व ऑक्सीजन भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और जैसे ही पानी अनक्लीन से क्लीन हो जाएगा, ठीक ना, दिस ग्राफ विल गेट चेंज। बीओडी एंड डिजोल्व ऑक्सीजन का ये डाटा वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में हमने दिया है क्लीन एंड अनक्लीन वाटर। समझ पाए कि नहीं? ठीक है, अनक्लीन और क्लीन वाटर, क्लीन वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन भी ज्यादा होगा तो बाहर से ऑक्सीजन का डिमांड तो कम ही होगा ना जी। चंदन, यस सर, समझ में आया? डीओ, बीओडी, सीओडी, सीओडी कहने का मतलब, बताइए ना। हाँ हाँ, फ्री वाले ग्राफ एक बार और बताइए। ओके फाइन, जब पानी गंदा रहेगा, जब पानी गंदा है, गंदा पानी है तो इसके अंदर का डिजोल्व ऑक्सीजन कम होता है, घुला हुआ ऑक्सीजन कम होता है तो बाहर से ऑक्सीजन लेने की टेंडेंसी हाई होती है। जो बाहर से ऑक्सीजन लिया जाता है उसको कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। इनऑर्गेनिक केमिकल्स को डिग्रेड करने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, ओके, बायोमोलिक्यूल्स को भी तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगा। सो गंदे पानी में, डर्टी वाटर में ऑक्सीजन कम होता है, इसीलिए बाहर से ऑक्सीजन लेने की टेंडेंसी इसके पास ज़्यादा होती है। तो उस कंडीशन में जो बीओडी होगा गंदे पानी का वो ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे उसके अंदर का मटेरियल टूटता जाएगा, सिंपलर वन में कन्वर्ट हो होता जाएगा, बाहर से ऑक्सीजन लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। देखो बाहर से ऑक्सीजन लेने की टेंडेंसी कम हो गई, यहाँ पे था अनक्लीन वाटर, इधर हो गया क्लीन वाटर, ये हो गया बीओडी। इनिशियल स्टेज में अनक्लीन पानी में डीओ कम है, डिजोल्व ऑक्सीजन कम है, और जैसे जैसे बाहर से ऑक्सीजन आ रहा था तो ऑक्सीजन घुलता ही जा रहा था इसके अंदर, सो डिजोल्व ऑक्सीजन भी आगे चल के बढ़ जाएगा। इनिशियली डिजोल्व ऑक्सीजन कम रहता है इसके अंदर, समझे सुधांशु? यस, समझ में आया ना जी, नहीं तो फिर से रिपीट करेंगे। नहीं सर, आ गया। ओके, देखिए डायग्राम भी दिखाते हैं। दिखा? Yes. ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है सर। एक और चीज पूछना था। हाँ सर, बोले जो गंगा एक्शन प्लान हो गया, यमुना एक्शन प्लान हो गया, वो अभी किस तरह से चल रहा है, मतलब किस प्रोसेस पे या फिर किस तरह से काम हो रहा है? यार तुम क्या सवाल कर रहे हो यार, जिसके खिलाफ है हम वही सब सवाल कर रहे थे। काम होता है लेकिन ये सब काम दिखावा है, ये एनसीईआरटी से है। देखो गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, है ना, ये 80 से ही चलता आ रहा है ना, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, बस मंत्रियों के ऑफिसर्स के घर बन जाते हैं, एक तल्ला तैयार हो जाता है, उनकी बेटियों का शादी हो जाता है, लड़कों का शादी हो जाता है, उनके लड़के लड़के विदेश पढ़ लेते हैं, और सही मायने पे गंगा का और यमुना का कुछ हो नहीं पाता है। हाँ, ये तो हो गया जो मैं सार्कास्म दे रहा था। आते हैं सही मायने में ये सब चीजें है क्या। गंगा एक्शन प्लान लॉन्च हुआ था इन ऑर्डर टू क्लीन द पोल्यूटेड वाटर ऑफ गंगा। यमुना एक्शन प्लान भी इसी सोच से प्लान करा गया था कि यमुना को हम साफ करें, होली रिवर है ना, तो इसको साफ करना जरूरी है, दायित्व है हमारा, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा फंड रिलीज करता है सरकार साफ करने के लिए, बहुत सारे जगहों पे बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में एसटीपी लगाने के लिए,
है ना, मंदिरों का कचरा ना फेंके हम लोग, उसका दूसरा अल्टरनेट निकाले उसके लिए, फाइन। लेकिन ये होता नहीं है आज के डेट में भी, कंडीशन वही है, ठीक है, कचरे का कचरा ही आ रहा है। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए ना कि जहां से कचरा आ रहा है उसको पहले बंद किया जाए। ऑब्वियसली आप देखो क्लास 12 स्टूडेंट होके आप बता सकते हो, लेकिन जो मेन कुर्सी पे बैठे हैं जो ये प्लान कर रहे हैं उनके पास दिमाग नहीं है, उनको तो बस ये सोचना है कि भैया कैसे भी अनशन करके दिखा दे पब्लिक को कि काम चल रहा है और बाकी पैसा अपने जेब में। वो लोग तो वो करता है कि गंदा पानी, मतलब उससे पानी से गंदगी को उठाता है, ऐसा नहीं करता है कि गंदगी को रोक देता, अपने आप साफ हो जाएगा। देखो अभी पैंडेमिक में बंद कर दिया गया था ना, कितना दिन, बहुत साफ हो गया था, बहुत साफ हो गया था। कहने का मतलब कि आप साफ मत करो, नो नॉट टू क्लीन द वाटर ऑफ गंगा एंड यमुना, जस्ट स्टॉप थ्रोइंग डर्टी वाटर इन दैट, फाइन, अपने आप साफ हो जाएगा, अपने आप साफ हो जाएगा वो, है ना, अपने आप साफ हो जाएगा। देख ही रहे हो, न्यूज तो सुन ही रहोगे, आप भी देख ही रहोगे। तो फिर सीवेज कहाँ जाएगा? कौन सा? फिर मुझे घरों का आता है सीवेज। नहीं नहीं समझ पा रहे हैं क्या बता रहे हो, सीवेज में क्या? वो रे सीवेज कहाँ जाएगा सर पूछ रहा है। अच्छा सीवेज कहाँ जाएगा? सीवेज को हम ट्रीट कर देंगे ना एसटीपी से, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बताया है ना एसटीपी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग एसटीपी का, गंदे पानी को वाटर बॉडीज में फेंकने से पहले उसको कम गंदा कर देंगे, है ना, तरीका तो बताया था ना। यही होता होगा। हाँ हाँ क्या बोल रहे हो? तो गंगा एक्शन प्लान में भी तो यही होता होगा। हाँ गंगा एक्शन प्लान में भी यही कहा गया है कि आप एसटीपी एस्टेब्लिश करो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े जगहों पे, उस एरिया में जहाँ पे लार्ज अमाउंट में गंदगी क्रिएट हो रही है। करना तो है लेकिन कहाँ किया जाता है? एक मैंने प्रयागराज में देखा था संगम से पहले, ठीक है, जहाँ पे यमुना और गंगा मिल रही है वहां पे एक एसटीपी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, लेकिन बंद पड़ा है। एक दिन मेरे को बहुत जाने का मन करा, विजिट करने का मन करा कि वो काम कैसे करता है ना, तो जाके देखा कि यार वो तो अंग्रेजों के जमाने का है, फाइन, अंग्रेजों के जमाने का है, वो खराब पड़ा हुआ है, ठीक है। सर एक बात बोलेंगे ना हंसी आएगा सर। हाँ बोलो सर। जानते हैं हम लोग इधर एक सुलभ शौचालय बना गया है, उसमें भी ताला लगा के रखा हुआ है। ताला लगा के इसलिए रखा हुआ है कि कोई गंदगी ना कर दे, कोई यूज भी तो नहीं करता है ना, तो दिखाना है ना, मान के चलो कल हायर अथॉरिटी आ गए तो उसको दिखाना होगा ना, उस समय वहां से ताला हटा देंगे, पानी डाल के रख देंगे, साफ कर देंगे। लेकिन मान के चलो डेली कोई जा रहा है तो गंदगी कर देगा, साफ करना मुश्किल हो जाएगा, ऑफिसर आएगा चेक करने के लिए, तो है ना, यही होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा मेंटेलिटी, भारत में हर वर्ग के लोग हैं, शुरू लेवल के भी हैं, 95 लेवल के भी है ना, अब देखो मान के चलो सुलभ शौचालय है, आदमी को लगे है ना मेरा तो कुछ गया ही नहीं है, ठीक है, ओटी करके छोड़ देगा, इसे फ्लश नहीं करेगा, टोटी तोड़ देगा, दीवार पे कुछ लिख देगा, थूक देगा, है कि नहीं है? जैसे वैसे ही ट्रेन में भी करता है। हाँ तो ये टाइम लग जाएंगे, ये सबको सभ्य होने में ना टाइम लगता है, जो टाइम लग रहा है भारत में, है ना। ठीक है और कुछ पूछो। और कुछ पूछो। यदि नहीं है क्वेश्चन तो हम साइन ऑफ कर रहे हैं। नेक्स्ट डे में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, फाइन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद बायोटेक स्टार्ट करेंगे, फाइन, इंटरेस्टिंग है,
ये चैप्टर भी इंटरेस्टिंग है, याद करना है, फिर मैं बोलूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी से करेंगे ज्यादा सही रहेगा, है ना। ये नोट्स आप लोग को मैं दे दे रहा हूँ, मिल चुका होगा, आप लोग के पास आ चुका होगा, रीड करना है जस्ट एक बार, है ना। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताएंगे हम इस चैप्टर में, ठीक है। तो मैं साइन ऑफ करूँ या कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? नो सर, हो गया। ओके ओके, ठीक ठीक है, थोड़ा लेक्चर अपडेट कर दे रहे हैं। ओके 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 ओके, हम लोग ने क्या करा, टुडे सेवेंथ ना क्लास, तो इस लेक्चर व्हाट, आज लेक्चर कौन सा हो जाएगा जी? लेक्चर थ्री, माइक्रोब्स। आज हमने क्या पढ़ा? बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट्स पढ़ा हमने, बायो फर्टिलाइजर्स भी था ना, इट विल डू, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फाइन।